अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आप देख रहे हैं लिमिट लेस मेडिकल्स। हम शुरू करने जा रहे हैं आठवीं, और आठवीं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला थोरैसिक रे के पोस्ट। आप देख रहे हैं लिमिट लेस मेडिकल्स। हम शुरू करने जा रहे हैं आठवीं, और आठवीं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला थोरैसिक रे के पोस्टीरियो लैटरल एस्पेक्ट में बांटे हैं। स्कैपुला थोरैसिक रे के पोस्टीरियो लैटरल एस्पेक्ट में बात किया, एक थिन ट्रायंगुलर बोन है, शोल्डर ऑफ ब्लेड भी कहा जाता है। स्कैपुला के कुछ फीचर जो होते हैं वो फीचर कौन से हैं और इसकी मसल अटैचमेंट कौन कौन सी है, इन पर बात कर रहे हैं। स्कैपुला की दो सर्फेसिस होती हैं, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन प्रोसेस होते हैं। स्कैपुला के सरफेस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्कैपुला के दो सरफेस होती हैं, एक होता है कोस्टल सरफेस, एक होता है डोर्सल सरफेस। ये जो सरफेस नजर आ रही है इसे कहते हैं कोस्टल सरफेस। स्कैपुला की ये जो सरफेस नजर आ रही है इसे कोस्टल सरफेस कहते हैं, कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस का दूसरा नाम होता है एंटीरियर सरफेस, जैसे सब स्कैपुलर फॉसा भी कहते हैं। कोस्टल सर्फेस तो सब स्कैपुलर फॉसा इसलिए कहा जाता है, या फिर एक मसल अटैच होता है जिसे सब स्कैपुलरिस मसल कहते हैं, कोस्टल सर्फेस या सब स्कैपुलरिस फॉसा। अब जो दूसरी सर्फेस है वो है डोर्सल सर्फेस। डोर्सल सर्फेस, डोर्सल सर्फेस बात करते हैं। कोस्टल सर्फेस, कोस्टल सर्फेस में क्या होता है? कोस्टल सर्फेस की जो डायरेक्शन होती है वो मीडियली होती है और फॉरवर्ड होती है। ये जो स्कैपुला की साइड है ये मीडियल है और ये लैटरल साइड है। कोस्टल सर्फेस होती है, इसकी डायरेक्शन मीडियल होती है और फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और इसको ये जो कोस्टल सर्फेस है ये तीन लॉन्गिट्यूडनल रिजेस को मार्क करती है, तीन लॉन्गिट्यूडनल रिजेस को मार्क करती है। अब कोस्टल सर्फेस स्कैपुला का ये जो सर्फेस है ये ऑलमोस्ट रोड लाइक होती है, ऑलमोस्ट रोड लाइक होती है, रोड होता है। कोस्टल सर्फेस ये जो है ये क्या करती है, आर्म की ओवरहेड अब्डक्शन में, आर्म की ओवरहेड अब्डक्शन में सीरेटस एंटीरियर मसल के लिए लीवर का काम करती है, ठीक है। ये कोस्टल सर्फेस। अब डोर्सल सर्फेस पे आते हैं। डोर्सल सर्फेस में मौजूद ये जो स्पाइन प्रोसेस है, ये डोर्सल सर्फेस ऑफ स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड करता है। स्पाइन प्रोसेस डोर्सल सर्फेस ऑफ स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अपर एंड स्मॉलर पार्ट जो है, अपर एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ डोर्सल सर्फेस को सुप्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा। लोअर सर्फेस एंड लार्जर सर्फेस ऑफ डोर्सल सर्फेस ऑफ स्कैपुला को इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब इसलिए क्या होगा, दो सर्फेस होगी, कोस्टल सर्फेस एंड डोर्सल सर्फेस। अब बात करते हैं बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के। स्कैपुला के तीन बॉर्डर होते हैं, स्कैपुला के तीन बॉर्डर होते हैं। एक होता है सुपीरियर बॉर्डर, कहता है सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर और रूट जो है कोरोकाइड प्रोसेस, यह है कोरोकाइड प्रोसेस। अब सुपीरियर बॉर्डर और कोरोकाइड प्रोसेस के रूट ने मिलकर एक नोच बनाई है, क्या होती है, एक नोच मौजूद होती है जिसे सुप्रा स्कैपुलर नोच कहते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नोच, इसे कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नोज, ठीक है। सुप्रा स्कैपुलर नोज है सुपीरियर बॉर्डर एंड रूट ऑफ कोरोकाइड प्रोसेस के मिलने से बनी है, इसे सुप्रा स्कैपुलर नोज कहेंगे, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर होगा। अब है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यह मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर। अब ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है, ये सुपीरियर एंगल से लेकर
इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड होता है, मिडल बोन्ड ऑफ स्कैपुला का स्पीयर एंगल से लेकर इंफीरियर एंगल तक होता है। अब है लैटरल बॉर्डर, ये है लैटरल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लैटरल बॉर्डर। अब लैटरल बॉर्डर जो है इसके अपर एंड पर एक ट्यूबरकल होता है, लैटरल बॉर्डर के अपर एंड पर एक ट्यूबरकल मौजूद होता है, इसे इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं। इंफ्राग्लिनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लिनाइड कैविटी के नीचे होता है, इसलिए इसे इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। तीन बॉर्डर हो गए, स्पीरल बॉर्डर होगा, मीडियल बॉर्डर हो गया, लैटरल बॉर्डर हो गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ स्कैपुला के, स्कैपुला के तीन ही एंगल्स होते हैं, एक होता है स्पीरल एंगल, ये जो एंगल है ये है स्पीरल एंगल, स्पीरल एंगल ये है स्कैपुला का स्पीरल एंगल। स्पीरल एंगल को ट्रेपीजियस मसल ने कवर किया होता है, स्पीरल एंगल को ट्रेपीजियस मसल ने कवर किया होता है। ये है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इंफीरियर एंगल। अब इंफीरियर एंगल को लैटिसमस डोर्सल मसल ने कवर किया होता है, इंफीरियर एंगल को लैटिसमस डोर्सल मसल ने कवर किया होता है। ये है अब तीसरा एंगल जो है लैटरल एंगल, ये वाला, ये सारा का सारा लैटरल एंगल है, लैटरल एंगल, लैटरल एंगल। लैटरल एंगल को ग्लिनाइड ट्यूबरकल भी कहते हैं या ग्लिनाइड कैविटी भी कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, लैटरल ग्लिनाइड के ऊपर एक ट्यूबरकल कहते हैं, जिसे सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं, जिसे सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं, जिसे सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। अब तीन बॉर्डर को स्पीरल बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर स्पीरल, सॉरी स्पीरल एंगल हो गया, इन्फीरियर एंगल हो गया और लैटरल एंगल भी हो गया। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के, स्कैपुला के तीन प्रोसेस होते हैं, स्कैपुला के तीन प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। एक होता है एक्रोमेन प्रोसेस, ये प्रोसेस है स्कैपुला के, एक्रोमेन प्रोसेस कहेंगे, एक्रोमेन प्रोसेस। एक्रोमेन प्रोसेस के दो सर्फिस होती हैं और दो बॉर्डर होते हैं, एक होता है मिडल बॉर्डर ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस, मिडल बॉर्डर ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस बॉर्डर, और एक है लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस, लैटरल बॉर्डर। इसके ऊपर एक होता है, ये होता है फैसेट मौजूद होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए, यह फैसेट है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस, इसे कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, यह है कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस को क्रो बी की शक्ल होती है, इसकी जो शक्ल होती है क्रो की बी की तरह होती है, ठीक है। अब तीसरा प्रोसेस जो है वो है स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, यह स्पाइन या फिर स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन या फिर स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस के दो सर्फिस होते हैं और तीन बॉर्डर होते हैं, अपर सर्फिस को एंटीरियर सर्फिस और लोअर को पोस्टीरियर सर्फिस। अब स्पाइनस प्रोसेस की जो लोअर पोस्टीरियर सर्फिस है इसे क्रस्ट ऑफ स्पाइन भी कहते हैं, यह क्रस्ट ऑफ स्पाइन, इसे क्रस्ट ऑफ, क्रस्ट ऑफ स्पाइन भी कहते हैं, क्रस्ट ऑफ स्पाइन। ये पोस्टीरियर सर्फेस है स्पाइन प्रोसेस की, इसे क्रस्ट ऑफ स्पाइन भी कहेंगे, ठीक है। अब हमारे दो सर्फेस हो गए, पोस्टल सर्फेस होगी एंड डोर्सल सर्फेस होगी, तीन हमारे बॉर्डर हो गए, एक होगी सुपीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, ठीक है। तीन एंगल हो गए, सुपीरियर एंगल हो गया, लैटरल एंगल हो गया, इन्फीरियर एंगल हो गया, तीन हमारे प्रोसेस हो गए, एक है एक्रोमेन प्रोसेस, दूसरा है कोराकॉइड प्रोसेस, तीसरा है स्पाइन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला की,